हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी? आप सभी का स्वागत है बिटा मैथ्स एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो देखो, हम कॉम्प्लेक्स नंबर कर रहे थे और कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 30 तक कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब देखो, आगे स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 31 से, इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, एस आर सैनी जो बुक है, इसकी इंपॉर्टेंस तो आपको पता लग गई होगी कि एस आर सैनी जो बुक है, इसमें से जितने भी क्वेश्चन दिए हुए ना, ये सारे क्वेश्चन किसी ना किसी प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर ये क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, अभी तक YouTube पर किसी ने भी एस आर सैनी बुक को पूरा सोल्व नहीं करवाया। अगर किसी ने करवाया भी है तो उसने एक या दो टॉपिक को करवा के वहीं पे छोड़ दिया है इसको। हम क्या करेंगे, ये जो अपनी शुरुआत है इसको आगे कंटिन्यू रखेंगे और जब तक एस आर सैनी बुक पूरा सोल्यूशन नहीं मिलेगा आपको, हम ये कंटिन्यू सीरीज़ आपके लिए लेकर आएंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस सीरीज़ को शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो ये देखो, क्वेश्चन नंबर 31 से अपन इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन और जेड टू ये किसके बराबर दिया हुआ है, ये जीरो के बराबर। मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं हमारे पास, जेड वन और जेड टू, उन दोनों के मल्टीप्लाई का आर्ग्यूमेंट कितना दिया हुआ है, इसने जीरो दिया हुआ है। और दिया गया है मोड ऑफ जेड वन और मोड ऑफ जेड टू की वैल्यू किसके बराबर है, वन के बराबर। तो इस ऑप्शन में से हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो देखो, इसने दिया है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन मल्टीप्लाई जेड टू, ये किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। अब देखो, आर्ग्यूमेंट कभी भी जीरो के बराबर आ जाए ना, तब आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि आर्ग्यूमेंट जीरो कब होता है, जब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो, प्योर रियल नंबर हो, उसी का आर्ग्यूमेंट क्या होता है, जीरो। क्योंकि मैंने बताया था ना आपको कि प्योर रियल नंबर का आर्ग्यूमेंट जीरो होता है और प्योर इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट कितना होता है, प्लस माइनस पाई बाई टू। तो यहाँ पर देखो, जीरो दिया गया है, मतलब प्योर इमेजिनरी नंबर का मैंने लिखाया था। देखो, ये लिखाया था प्योर रियल नंबर की अपन पहले बात करें तो प्योर रियल कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट या तो जीरो होगा या कितना होगा, पाई होगा। और प्योर इमेजिनरी नंबर, प्योर इमेजिनरी नंबर का आर्ग्यूमेंट कितना बताया था मैंने, ये बताया था प्लस माइनस पाई बाई टू, या तो प्लस पाई बाई टू होगा या माइनस पाई बाई टू होगा। अब देखो, जीरो दिया गया है इसने आर्ग्यूमेंट, तो इसका मतलब हमें ये अंदाजा लग गया है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड वन जेड टू, ये क्या होगा, एक प्योर रियल नंबर होगा। देखो, ये क्या मानते हैं अपन, ये मानते हैं रियल एक्स, और ये क्या मानते हैं अपन, इमेजिनरी एक्स मानते हैं। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर या तो इस पॉइंट पर हो या फिर इस पॉइंट पर हो, इसका मतलब ये हो गया ना कि ये रियल नंबर है, और रियल नंबर के लिए अगर इस पॉइंट पर होगा तब तो आर्ग्यूमेंट जीरो बन जाएगा, और इस पॉइंट पर होगा तब आर्ग्यूमेंट क्या बन जाएगा, पाई बन जाएगा। अगर इमेजिनरी नंबर मान लिया इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर मैंने इमेजिनरी नंबर मान ली, तो इमेजिनरी नंबर अगर इस पॉइंट पर बिलोंग करेगा ना, तो आर्ग्यूमेंट पाई बाई टू हो जाएगा, और इस पॉइंट पर होगा तो आर्ग्यूमेंट कितना हो जाएगा, माइनस पाई बाई टू। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसमें मोड ऑफ जेड वन और मोड ऑफ जेड टू की वैल्यू भी दी गई है। इसने कितनी दी गई है, ये दी है इसने वन के बराबर। तो देखो, हम क्या करेंगे, जेड वन और जेड टू दो कॉम्प्लेक्स नंबर अपने हिसाब से मानेंगे, ताकि क्या हो, ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो। तो जेड वन तो क्या मान सकते हैं अपन, एक मतलब छोटा कॉम्प्लेक्स नंबर मानेंगे, ताकि हमारी जो क्वेश्चन की कैलकुलेशन है वो आसान बनी रहे। तो जेड वन को तो मान लेंगे अपन आयोटा, और जेड टू को क्या मान लेंगे, माइनस आयोटा मान लेंगे। अब देखो, जेड वन मतलब आयोटा का मॉड्यूलस कितना होता है, आयोटा का मॉड्यूलस वन ही होता है। माइनस आयोटा का मॉड्यूलस कितना होता है, ये भी वन होता है। मतलब ये प्रॉपर्टी हमारी क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। फिर देखते हैं जेड वन और जेड टू को मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आर्ग्यूमेंट कितना आता है। तो देखो, जेड वन और जेड टू को जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से जेड वन जेड टू ये कितना बन गया, माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस होती है, माइनस एक बाहर पहले से लगाया, तो ये कितना बना, वन बन गया। अब देखो, वन क्या है, ये प्योर रियल नंबर है ना, और प्योर रियल नंबर का मैंने आर्ग्यूमेंट बताया था कितना, जीरो बताया था। अगर वो पॉजिटिव हो तो आर्ग्यूमेंट जीरो होगा, अगर वो नेगेटिव यहां पर हो तब आर्ग्यूमेंट कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। तो देखो, दोनों कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब अपन जेड वन को आयोटा और जेड टू को अपन माइनस आयोटा मान सकते हैं। तो देखो, फिर करेंगे अपन प्रॉपर्टी ऑप्शन से देखेंगे अब इसको कि कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है आपके पास कि क्या जेड वन प्लस जेड टू जीरो हो रहा है क्या, आयोटा और माइनस आयोटा को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, जीरो ही बनेगा ना। मतलब पहला ऑप्शन क्या हो गया, इसमें सही हो गया, ठीक है। फिर दूसरा ऑप्शन देखते हैं, दूसरे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है कि क्या जेड वन में से जेड टू का कंजुगेट हटाएंगे तो जीरो बनेगा क्या। तो जेड वन कितना, आयोटा,
जेड टू का कॉन्जुगेट माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट कितना होता है, माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट प्लस आयोटा और बीच में साइन माइनस, तो आयोटा में से आयोटा माइनस करेंगे तो जीरो बनेगा, मतलब सेकंड ऑप्शन भी क्या हो रहा है, ये सेटिस्फाई हो रहा है। थर्ड ऑप्शन की बात करें अपन, तो थर्ड ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, थर्ड ऑप्शन है यदि जेड वन और जेड टू को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वन बनेगा ना, तो देखो जेड वन और जेड टू को मल्टीप्लाई करने पर हमें कितना मिल रहा है, ये वन मिल रहा है, मतलब तीनों ही ऑप्शन क्या हो रहे हैं इसमें सही हो रहे हैं, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें, ऑल ऑफ दी अबोव ऑप्शन हो जाएगा, मतलब तीनों ही क्या होंगे सही, इसमें क्या दिया है दो या तीन, इसमें तीनों ही सही होंगे, मतलब पहला भी क्या होगा इसमें सही, मतलब ये ऑप्शन क्या है, इस ऑप्शन में कुछ ऐसा ऐसा लिखा होना चाहिए ऑल ऑफ द अबोव, मतलब ऊपर के जो तीनों ऑप्शन है वो क्या है सही, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे इसमें, ठीक है। आगे देखते हैं, समीशन ऑफ आयोटा की पावर एन और पाई आयोटा की पावर एम, ये बराबर है एक्स प्लस आयोटा वाई, तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के बतानी है, तो ये निकालने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें करना पड़ेगा इस इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा, और ये इक्वेशन अपन किस आधार पर सोल्व करेंगे, देखो समीशन का मतलब तो होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जब भी हमारे पास कहीं पर भी समीशन लिखा हो, समीशन का मतलब होता है सम करना, या फिर सम को अपन बोल देते हैं प्लस, क्या बोल देते हैं, नंबर्स को प्लस करने से मतलब होता है अपन उसका क्या कर रहे हैं, समीशन कर रहे हैं, और यदि आपके पास ये पाई लिखा हो, पाई लिखा हुआ हो, और पाई का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मतलब जितने भी नंबर आएंगे ना अपने पास उन सबको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ये साइन होता है पाई और समीशन का। तो देखो समीशन करेंगे अपन आयोटा की पावर एन का, तो अपन वैल्यू पुट करते चलेंगे यहाँ से और मान निकालते चलेंगे, तो देखो समीशन ऑफ क्या दिया है, समीशन ऑफ एन की वैल्यू जीरो से कहाँ तक जा रही है, 200 तक, समीशन ऑफ एन की वैल्यू जीरो से कहाँ तक, 200 तक, आयोटा की पावर एन, पहले इसको सोल्व करके देख लेते हैं अपन, सिर्फ इसी को लेके चलेंगे, तो देखो आयोटा की पावर में एन रखते चलेंगे अपन, तो कहाँ से स्टार्ट करना है, जीरो से कहाँ तक, 200 तक, तो आयोटा की पावर जीरो, अब समेशन का साइन लगा है ना, मतलब कौन सा यूज करेंगे अपन, प्लस का साइन यूज करेंगे, प्लस आयोटा की पावर वन, प्लस आयोटा की पावर टू, प्लस आयोटा की पावर थ्री, प्लस आयोटा की पावर फोर, और ऐसे कहाँ तक जाना है हमें, हमें जाना है आयोटा की पावर 200 तक, इनको क्या करना है ऐड करना है, यदि ये सोल्व कर लिया ना हमने तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो ये देखो कैसे सोल्व करेंगे, आयोटा की पावर जीरो, किसी भी नंबर्स की पावर जीरो हो तो वो क्या होता है, वन ही होता है, और ये मैंने बताया था कि यदि आयोटा की पावर आपके पास लगातार चार पावर हो, देखो ये लगातार ही है ना, 1, 2, 3, 4, तो इन पावर्स को सोल्व करते हैं तो ये किसके बराबर आता है, ये जीरो के बराबर आता है, ये प्रॉपर्टी मैंने बताई थी आपको कि यदि आयोटा की पावर लगातार चार नंबर्स में दी गई हो और उनके बीच में प्लस का साइन हो तब वो क्या बनाते हैं हमें, वो हमें जीरो बना के देते हैं, तो इनको सोल्व करके देख लो आप, जीरो ही बनेगा, देखो आयोटा की पावर वन प्लस आयोटा स्क्वायर, यहाँ पर आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी, माइनस वन, तो ये माइनस वन, आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी, माइनस आयोटा, आयोटा की पावर फोर की वैल्यू कितनी, प्लस वन, और इसको सोल्व करेंगे तो देखो आयोटा से आयोटा कैंसिल, वन से वन कैंसिल, क्या बना, जीरो बनाना, तो इसी तरीके से हमने प्रॉपर्टी बना ली कि आयोटा की पावर यदि फोर तक लगातार अपन ऐड कर रहे हैं तो वो हमें क्या बना के देगा, जीरो, तो ये क्या बन गया, जीरो, फिर आगे भी जितने भी आएंगे ना वो लगातार ही तो आ रही हैं, ये जीरो, फिर आगे देखो 8 से लेकर 8, 9, 10, 11, 12, चार नंबर आ गए लगातार तो वो भी क्या बन गए, जीरो, फिर 12 से लेकर 13, 14, 15 और 16 वो भी क्या बना लेंगे, जीरो, अब देखो लास्ट ये कहाँ तक जाएगा, अब देखेंगे कि 200 क्या है, 4 का मल्टीपल ही तो है, 200 भी तो 4 का मल्टीपल है, मतलब ये चार तक पावर कहाँ तक जाएंगी, 200 तक जाके कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब ये सारी वैल्यू हमें क्या मिलेगी, आगे आगे मिलेगी हमें जीरो, मतलब सारे नंबर्स को यदि जोड़ेंगे ना तब हमें जीरो मिल जाएगा, यदि यहाँ पर हमें देखो एक कंडीशन में बता देता हूँ, यदि ये 201 तक होता, कहाँ तक होता, 201 तक, यदि यहाँ पर 201 वैल्यू होती तब क्या करते अपन, 200 तक तो ये 4 का मल्टीपल है, मतलब 200 तक तो हमें जीरो बना के देता, लेकिन 200 के बाद में आयोटा 200, आयोटा की पावर 201 ये हमारे पास बच जाता, तो ये हमें प्लस में यहाँ पर लिखना पड़ता, लेकिन यहाँ पर 200 तक ही दिया हुआ है, मतलब ये 4 का मल्टीपल है, तो आगे अपन ये नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो इसको अपन करेंगे सोल्व, तो देखो क्या बनेगा, हमारे पास वन ही तो बनेगा ना, देखो वन प्लस जीरो जीरो जीरो, ये क्या बना लिया, वन। अब करेंगे अपन पाई को सोल्व, तो देखो क्या दिया हुआ है पाई, और कहाँ से कहाँ तक, m की वैल्यू 1 से जा रही है कहाँ तक, 50 तक जा रही है, और आयोटा की पावर कितनी है m, ठीक है, ये सोल्व करेंगे, तो देखो m की वैल्यू 1 से 50 तक रखेंगे, आयोटा की पावर 1 रखा, यहाँ से जीरो से था लेकिन यहाँ से 1 से स्टार्ट करना है, इन टू, अब देखो पाई लगा हुआ है ना, इसका मतलब अपन साइन कौन सा लेंगे, मल्टीप्लाई का, तो आयोटा की पावर 1 इंटू आयोटा की पावर 2 इंटू आयोटा की पावर 3 इंटू
आयोटा की पावर 4 इंटू कहाँ तक, कहाँ तक जाना है हमें, आयोटा की पावर 50 तक जाना है, कहाँ तक जाना है, आयोटा की पावर 50 तक। अब देखो बेस सभी का समान आयोटा है, पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो यदि पावर्स को अपन ऐड करेंगे तो देखो ये बन गया आयोटा की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ये कहाँ तक, ये 50 तक। अब ये देखो, ये हम जानते हैं कि n प्राकृत संख्याओं, n नेचुरल नंबर्स का योग कितना होता है, ये होता है n इंटू एन प्लस 1, कितना होता है n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 के बराबर होता है। और यहाँ पर n अपन कहाँ तक जा रहे हैं, अपन 50 तक जा रहे हैं ना, तो इन नंबर्स का योग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो आयोटा की पावर 50 इंटू 51, ये क्या बन गया 51 अपॉन 2। और यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे ना तो आयोटा की पावर बन जाएगी ये 25 को अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 25 मल्टीप्लाई 51, तो 25 को 51 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना आएगा, 51 इंटू 25, देखो 5 पावर 2, 125 और ये 2127, मतलब हमें क्या मिल जाएगा, आयोटा की पावर हमें मिल जाएगी 1275। ये वैल्यू सॉल्व करके बतानी है तो हमें इसका मान प्राप्त हो जाएगा। तो देखो ये हमें क्या मिलेगा, अब आयोटा की पावर 1275। और ये मैंने बता चुका हूँ कि आयोटा की पावर, यदि आपके पास कोई बड़ा नंबर हो तब इसको कैसे सोल्व करते हैं, अपन 4 से डिवाइड करके देखते हैं, जो रिमाइंडर आता है 4 से डिवाइड करने के बाद में वही क्या बन जाती है, आयोटा की पावर बन जाती है। तो यहाँ से देखो 4 से डिवाइड करेंगे तो देखो रिमाइंडर कितना बचेगा, डिवाइड हो गया ना 12, तो फिर क्या बचा 7 वन टाइम, फिर 3 से इसफल बच गया, और ये 35, और ये क्या बना 8 4 जा 32, और कितना बच गया रिमाइंडर हमारे पास 3 बच गया। और आयोटा की पावर 3 किसके बराबर होता है, ये माइनस आयोटा के बराबर होता है, मतलब हमारे पास कितना मान आ गया इसका, पहली वैल्यू को सोल्व किया तो हमें 1 मिला, दूसरी वैल्यू को सोल्व किया तो हमें माइनस आयोटा मिला, इसका मतलब इस वैल्यू को सोल्व करने के बाद में हमें कितना मिल रहा है, हमें मिल रहा है देखो 1 माइनस आयोटा, क्या मिल रहा है 1 माइनस आयोटा किसके बराबर है, ये है एक्स प्लस आयोटा वाई के। तो कंपेयर करके अपन एक्स की वैल्यू 1 निकाल लेंगे और वाई की वैल्यू माइनस 1 निकाल लेंगे, और 1 और माइनस 1 किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में आ रहा है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास कि आयोटा पी प्लस आयोटा क्यू और ये बराबर है लोग 1 माइनस आयोटा ई की पावर आयोटा थीटा के, तो हमें क्यू की वैल्यू निकाल के बतानी है। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे, ये वैल्यू अपन एज इट इज रखेंगे, मतलब दोनों को सोल्व करना है हमें कैसे भी करो चाहे, और हमें क्यू की वैल्यू निकालनी है कंपेयर करने के बाद में। तो देखो ये मल्टीप्लाई हो गया तो आयोटा की पावर पी प्लस आयोटा स्क्वायर क्यू, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1, तो ये बन जाएगा माइनस का क्यू। ठीक है, बराबर ये देखो क्या है लोग, और ये क्या है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में नहीं है, तो क्या करेंगे पहले इसको x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में बनाएंगे। तो देखो लॉग 1 माइनस आयोटा e की पावर आयोटा थीटा को ओपन कर लेंगे और क्या लिखेंगे इसको, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिख दिया। ठीक है, बराबर ये एज इट इज रहेगा लॉग ऑफ 1 माइनस आयोटा कोस थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये माइनस आयोटा स्क्वायर बनेगा और माइनस का साइन बाहर पहले से है, मतलब ये क्या बना लेगा प्लस साइन थीटा बना लेगा। ठीक है, अब देखो ये क्या बन गया लॉग ऑफ 1 प्लस साइन थीटा रियल नंबर है ना, और ये आयोटा का कोफिशियंट ये क्या है इमेजिनरी नंबर, तो रियल नंबर को अपन एक साथ बुला लेंगे, तो 1 प्लस साइन थीटा रियल नंबर एक साथ लिख लिया और इमेजिनरी नंबर माइनस आयोटा कोस थीटा को हमने एक जगह लिख लिया। अब देखो ये x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में आ गया हमारे पास, ये वैल्यू x रियल नंबर है, ये वैल्यू y क्या है इमेजिनरी नंबर, तो और हमें क्या निकालना है इसका लॉग निकालना है। तो हमने प्रॉपर्टी बताई थी लॉग निकालने के लिए कि यदि आपके पास लॉग ऑफ x प्लस माइनस आयोटा वाई ये निकालना हो तो इसका लॉग कैसे निकालते हैं अपन, इसका लॉग निकालने का फॉर्मूला होता है लॉग ऑफ मोड ऑफ जेड, ये जेड बोल दो या फिर ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन जेड मान रहे हैं, जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई, तो पहले अपन इसका मोड निकालेंगे, फिर जो प्लस का साइन है तो प्लस का लगाएंगे, और यदि माइनस का साइन है तो अपन किसका लगाएंगे माइनस का साइन लगा देंगे, और ये बन जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ किसका मोड ऑफ सॉरी आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड ये बन जाएगा। तो हमें देखो ये निकालने के लिए हमें पहले तो इसका मोड चाहिए और हमें क्या चाहिए इसका आर्ग्यूमेंट भी चाहिए, तभी अपन लॉग निकाल पाएंगे। तो देखो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का पहले अपन निकालेंगे मोड निकाल लेंगे पहले, तो देखो मोड ऑफ जेड यहाँ से कितना बन जाएगा, रियल नंबर का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी नंबर के स्क्वायर को प्लस करके अपन क्या लगा देंगे रूट लगा देंगे, तो देखो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा
ये क्या बन गया, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो देखो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर खोल देंगे अपन, तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, ये बन गया ना। और कोस स्क्वायर थीटा करेंगे प्लस में, तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। और जब इसको ओपन करेंगे तो देखो मोड ऑफ जेड कितना आ जाएगा, मोड ऑफ जेड हमारे पास आ जाएगा, ये 2 बन गया, कोस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, और 1 और 1 और 2, तो ये बन जाएगा रूट ऑफ 2 प्लस 2 कोस थीटा। ये हमारे पास क्या आ गया, मोड आ गया इसका। अब देखो मोड निकाल लिया हमने, मोड निकालने के बाद में हमें क्या निकालना है, अब आर्ग्यूमेंट निकालना है, तो आर्ग्यूमेंट निकालेंगे, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड निकालेंगे, ये अपन जेड के बराबर मान रहे हैं। तो आर्ग्यूमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है थीटा बराबर टेन इनवर्स, क्या होता है टेन इनवर्स वाई अपोन एक्स, क्या होता है वाई अपोन एक्स, वाई की वैल्यू कितनी है कोस थीटा, अपोन एक्स की वैल्यू कितनी है 1 प्लस साइन थीटा, कितनी है कोस थीटा अपोन 1 प्लस साइन थीटा। ये निकाल लिया, आर्ग्यूमेंट निकाल लिया, मॉडुलस भी निकाल लिया, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हमें ई लॉग की वैल्यू आ जाएगी। और ये किसके बराबर चल रहा है, ये आयोटा पी माइनस क्यू के बराबर चल रहा है, तो फिर से अपन यही इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पर, और ये बन जाएगा आयोटा पी माइनस क्यू, ये किसके बराबर बन रहा है, ये इसके बराबर है ना, और लॉग को अपन खोल के इस फॉर्मूले से बना लेंगे, तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ मोड जेड, मोड जेड कितना निकाला आपने, रूट रूट में 2 प्लस 2 कोस थीटा, ये निकाल लिया। फिर प्लस माइनस, प्लस लगाएंगे या माइनस लगाएंगे, तो यहाँ पर देखो क्या साइन है, माइनस का है ना, तो अपन भी क्या लगाएंगे, माइनस का साइन ही लगाएंगे। और आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड लिखेंगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कितना है, ये है टेन इनवर्स कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, ये लिख लिया मैंने। अब देखो कंपेयर करना है इसको, और यहाँ पर क्या साइन आता है, यहाँ पर देखो आयोटा भी लगा देते हैं अपन, क्या लगा देते हैं अपन, आयोटा भी लगाते हैं, तो यहाँ पर भी क्या लगा देंगे, आयोटा लगा देंगे, ठीक है। अब देखो कंपेयर कर लेंगे इसको, ये कितना है आयोटा पी माइनस क्यू, इसमें इमेजिनरी वैल्यू कितनी है ये है, और इसमें रियल वैल्यू कितनी है क्यू, और इसमें रियल वैल्यू कितनी है ये, और हमें वैल्यू किसकी निकाल के बतानी है, हमें वैल्यू निकाल के बतानी है क्यू की। तो अपन सिर्फ किस नंबर को कंपेयर करेंगे, अपन सिर्फ रियल नंबर को ही कंपेयर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो ये जो क्यू है ना, ये क्या है रियल नंबर, और इसमें रियल नंबर कितना है, इसमें रियल नंबर ये है, तो यहाँ से जब कंपेयर करेंगे ना, तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी, क्यू बराबर आ जाएगा लॉग ऑफ रूट ऑफ 2 प्लस 2 कोस थीटा। अब यहाँ पर तो ये क्यू माइनस का है और यहाँ पर प्लस का है, तो क्या लगा देंगे अपन, माइनस का साइन यहाँ पर लगा देंगे, तो ये क्यू बन जाएगा। थोड़ा इसको और सोल्व करेंगे, रूट को बना सकते हैं अपन पावर 1/2, और लॉग में जब भी फंक्शन की पावर आती है वो कहाँ पर आ जाती है, लॉग के कोफिशियंट में, तो ये पावर 1/2 बाहर ले ली, और ये बन जाएगा लॉग ऑफ 2 प्लस 2 कोस थीटा, क्या बन गया लॉग 1 - 1/2 log of 2 plus 2 cos theta। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ये आ रहा है -1/2 log of 2 plus 2 cos theta, ये आ रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, कौन से में आ रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आ रहा है। लेकिन ये माइनस का साइन अपन किस तरीके से हटाएंगे, माइनस का साइन हटाने के तरीका क्या होगा अपने पास, अच्छा यहां पर हमने क्या कर दिया, ये जो 2 sin theta है ना, तो कोस थीटा की जगह क्या करेंगे अपन, साइन थीटा बना देंगे, क्योंकि यहाँ पर ये देखो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो ये तो 1 हो गया, 1 और 1 ये 2 बन जाएगा, तो शेष क्या बचा अपने पास, 2 साइन थीटा बचाना, तो 2 साइन थीटा लिखेंगे यहाँ से, हमने क्या लिख दिया था, कोस थीटा लिख दिया था, तो देखो 2 साइन थीटा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर थर्ड, क्योंकि ये माइनस का साइन भी तो लगा है ना, माइनस का साइन भी तो हमें लेना पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें हो जाएगा। अब देखो ये है 1 प्लस आयोटा टेन अल्फा की पावर माइनस आयोटा का, हमें रियल वैल्यू निकाल के बतानी है कि इसकी रियल वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, तो देखो इसको सोल्व करने का तरीका क्या रहेगा, यदि ये है अपने पास क्या है 1 प्लस आयोटा
आयोटा टेन एल्फा की पावर माइनस आयोटा। अब देखो इसकी रियल वैल्यू सोल्व करके बतानी है, तो हम देखेंगे पहले ऑप्शन, ऑप्शन में क्या आ रहा है, सभी ऑप्शन में देखो ई की पावर आ रही है, ई की पावर एल्फा, ई की पावर एल्फा और ई की पावर एल्फा, मतलब ऑप्शन में हमें क्या मिल रहा है, सब में ई की पावर एल्फा कॉमन मिल रहा है। तो अपन क्या करेंगे, इस फंक्शन को भी अपन ई की पावर में बनाने की कोशिश करेंगे कि ये ई की पावर में कैसे बनेगा। तो देखो अपन इसको ये भी तो बना सकते हैं ना, ई की पावर लॉग ऑफ, और इस लॉग का बेस में मैं ई ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, इस लॉग का ई की पावर लॉग ऑफ, इस लॉग का बेस भी अपन ई ले रहे हैं, तो यहाँ पर लगा देंगे अपन ई लगा देंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू वन ही होती है ना, और यहाँ पर लिख देंगे ये फंक्शन, अब ये कितना है, वन प्लस आयोटा टेन एल्फा की पावर माइनस आयोटा, ये बना सकते हैं ना लॉग की प्रॉपर्टी से, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा और बचेगा कितना, सिर्फ यही तो बचेगा और यही हमारे पास है। तो देखो इसको ये बना सकते हैं, अब लॉग की पावर में देखो आ रहा है, तो ये माइनस आयोटा कहाँ जाएगा, ये माइनस आयोटा बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा ई की पावर माइनस आयोटा और लॉग ऑफ इसका ई बेस है, और यहाँ से ये बनेगा वन प्लस आयोटा टेन एल्फा, ये बन गया, ठीक है। अब देखो यहां से हमें क्या मिल रहा है, यहां पर है हमारे पास देखो लॉग में, और ये कोई क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो किस फॉर्म में है, x प्लस आयोटा वाई, देखो x प्लस आयोटा वाई इस फॉर्म में है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसका हमें लॉग निकालना है, तो इसका अपन लॉग यहां से निकाल लेंगे, देखो इसका लॉग निकालेंगे, और लॉग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग ऑफ मोड जेड, प्लस का साइन है तो प्लस लगाएंगे, आयोटा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, ये फॉर्मूला होता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉग निकालने का, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था। तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, इसका मोड निकालना पड़ेगा, तो मोड को अपन यहाँ से डायरेक्ट निकाल लेंगे, देखो ये बन जाएगा लॉग, पहले यदि मोड निकालेंगे इसका, तो देखो मोड क्या होता है, रूट ऑफ वन प्लस वन का स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर एल्फा, और वन प्लस टेन स्क्वायर एल्फा ये क्या होता है, सेक स्क्वायर एल्फा, और ऊपर रूट पहले से लगाए, तो देखो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सेक एल्फा, तो इसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया आपको समझा के, ठीक है। फिर प्लस का साइन, आयोटा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड निकालना है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कितना होता है, ये होता है टेन इनवर्स y अपॉन x, क्या होता है tan इनवर्स y अपॉन x, तो देखो tan इनवर्स y की वैल्यू कितनी है, ये है tan अल्फा, और x की वैल्यू कितनी है, ये है 1, तो ये डिवाइड में 1 लिखेंगे तो उसकी जरूरत है नहीं, तो ये देखो tan इनवर्स अल्फा से tan अल्फा कैंसिल, तो इसका लॉग बन जाएगा लॉग ऑफ sec अल्फा प्लस आयोटा, tan से tan कैंसिल, तो बचेगा क्या, सिर्फ आयोटा बनाना, तो इस लॉग की जगह अपन ये वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। तो यहां से देखो हमें क्या मिल जाएगा, अब यहां से जब इसको सोल्व करेंगे, इसी को लेकर चल रहे हैं अपन, और इसको ये बना दिया, तो e की पावर माइनस आयोटा, लॉग को हमने इस फॉर्म में खोल लिया, तो देखो क्या बन गया, ये बन गया लॉग ऑफ sec अल्फा प्लस आयोटा अल्फा। अब देखो आयोटा को अंदर कर देंगे मल्टीप्लाई, तो आयोटा को यदि हम पर मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो यह बन जाएगा e की पावर माइनस आयोटा लॉग sec अल्फा माइनस आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, तो ये बन जाएगा प्लस अल्फा। अब ये देखो ये इस फॉर्म में बन गया ना, e की पावर अल्फा को अपन क्या ले लेंगे, अलग लिख लेंगे, e की पावर अल्फा को अलग लिख लिया, और ये बन गया e की पावर माइनस आयोटा लॉग ऑफ sec अल्फा को अपन लिख सकते हैं वन अपॉन कोस अल्फा, क्या लिख सकते हैं इसको, वन प्लस कोस, वन अपॉन कोस अल्फा, क्योंकि ये माइनस का साइन बाहर है ना, इसको बनाने के लिए अपन करेंगे। तो देखो एक प्रॉपर्टी हमें पता है कि लॉग ऑफ वन अपॉन एक्स ये किसके बराबर होता है, ये होता है माइनस लॉग ऑफ एक्स के, ये प्रॉपर्टी हम जानते हैं, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी अपन यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ये प्रॉपर्टी अपन यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो देखो लॉग ऑफ वन अपॉन कोस अल्फा आ रहा है ना, यहाँ पर क्या बना सकते हैं इसको अपन, इसको बना सकते हैं माइनस लॉग कोस अल्फा बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं माइनस लॉग कोस अल्फा, तो देखो ई की पावर अल्फा एज इट इज, ई की पावर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस लॉग कोस अल्फा, एक माइनस का साइन पहले से बाहर है तो वो क्या बना लेगा प्लस, तो ये बन जाएगा ई की पावर आयोटा लॉग कोस अल्फा, क्या बन गया e की पावर अल्फा लॉग कोस अल्फा, e की पावर अल्फा को एज इट इज रख दिया। अब देखो ये बन गया e की पावर आयोटा थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है लॉग कोस अल्फा, तो इसको ओपन कर सकते हैं ना अपन, इसको ओपन कर सकते हैं कोस अल्फा कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की फॉर्म में लिख देंगे इसको, तो ये बन जाएगा देखो कोस थीटा की वैल्यू कितनी है लॉग कोस अल्फा ना प्लस आयोटा साइन थीटा की वैल्यू कितनी है लॉग कोस अल्फा,
अब देखो क्या कर देंगे, e की पावर अल्फा को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन ये तो क्या बनेगी इमेजिनरी वैल्यू, ये क्या बनेगी रियल वैल्यू, और हमें क्या निकालनी थी, इसकी रियल वैल्यू ही निकालनी थी ना, तो क्या करेंगे अपन सिर्फ रियल वैल्यू को लेंगे और e की पावर अल्फा को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा e की पावर अल्फा कोस लॉग कोस अल्फा, ये क्या है इसकी रियल वैल्यू। अगर इमेजिनरी वैल्यू पूछता तो अपन इससे ये बना देते, क्या बना देते इमेजिनरी वैल्यू, e की पावर अल्फा साइन लॉग कोस अल्फा, तो हमें रियल पूछा है तो रियल अपन बता देंगे कितना होगा e की पावर अल्फा कोस लॉग कोस अल्फा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा इसमें राइट आंसर। ठीक है आगे चलते हैं, इक्वेशन दी गई है 1 प्लस आयोटा रूट 3 की पावर x माइनस 2 की पावर x और ये किसके बराबर है 0 के, तो हमें ये बताना है कि इस इक्वेशन के जो रूट हैं वो क्या एपी में होंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे, जीपी में होंगे, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में होंगे, एचपी में होंगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होंगे या फिर एजीपी में होंगे। एजीपी का मतलब क्या है इसमें, तीनों ही है, एजीपी का मतलब है इसमें दोनों, मतलब एपी और जीपी दोनों में ये दिखा हुआ है इसमें शायद, है ना, तो हमें ये बताना है कि या तो ये एपी में होंगे या जीपी में होंगे या एचपी में होंगे या फिर एपी और जीपी दोनों में होंगे, ये सॉल्व करके बताना है। तो देखो हम किस तरीके से करेंगे, हम करेंगे पहले इसको सॉल्व, 1 प्लस आयोटा रूट 3 की पावर x और ये बराबर कर लेंगे अपन 2 की पावर x बना लेंगे, माइनस 2 को अपन इधर भेज देंगे और ये देखो 2 की पावर x को अपन क्या ले जाएंगे अब इसके डिवाइड में, क्योंकि दोनों की पावर x है, तो ये बना लेगा 1 प्लस आयोटा रूट 3 बाई 2 और इसकी होल पावर x और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 1 के बराबर। तो देखो इसको अपन सेपरेट कर लेंगे, अब यहाँ से इसको सेपरेट करेंगे तो ये बन गया 1 बाई 2 प्लस आयोटा रूट 3 बाई 2 की पावर x और ये किसके बराबर बन गया, ये 1 के बराबर बन गया। और 1 को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 को अपन पहले इसको देख लेते हैं, इसको क्या बना सकते हैं अपन, देखो इसको अपन क्या बनाएंगे, इस कॉम्प्लेक्स नंबर की बनाएंगे अपन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, क्या बनाएंगे इस कॉम्प्लेक्स नंबर की अपन बनाएंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म किस फॉर्म में होती है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है अपने पास e की पावर आयोटा थीटा फॉर्म में, क्या होता है r e की पावर आयोटा थीटा, यहां से हमें r चाहिए और थीटा की वैल्यू चाहिए, r कितना होता है, r होता है मोड ऑफ z, r कितना मोड ऑफ z, तो पहले हम क्या निकालेंगे इसका मॉडुलस निकालेंगे, और मॉडुलस किस तरीके से निकालेंगे, रूट ऑफ रियल नंबर का स्क्वायर 1 बाई 2 का स्क्वायर कितना 1 बाई 4 प्लस इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर 3 बाई 4 और ये कितना बन गया 1, मतलब r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, और थीटा निकाल लेंगे तो थीटा किसके बराबर होगा, मतलब आर्ग्यूमेंट निकालना है ना, आर्ग्यूमेंट z बराबर होता है tan इनवर्स y अपॉन x, y की वैल्यू रूट 3 बाई 2 और x की वैल्यू 1 बाई 2, तो रूट 3 बाई 2 अपॉन 1 बाई 2 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, कितना बचेगा tan इनवर्स में रूट 3 हमारे पास बन जाएगा, और रूट 3 किसके बराबर होता है, रूट 3 कहाँ पर मिलता है 60 डिग्री पे मिलता है ना, और 60 डिग्री को अपन बोल देते हैं पाई बाई 3, क्या बोल देते हैं पाई बाई 3। तो देखो इसकी फॉर्म को अपन बना सकते हैं, अब लिख सकते हैं इसको r इंटू r की वैल्यू कितनी है 1 और ये बन जाएगा e की पावर आयोटा पाई बाई 3 और इसकी होल पावर कितनी x, ये लिख दिया हमने, इसी को मैंने बना दिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और बराबर कितना है, बराबर है हमारे पास 1, और 1 को लिख सकते हैं अपन आयोटा 2n पाई, क्या लिख सकते हैं आयोटा 2n पाई। अब ये सोल्व करके देख लो, चाहे e की पावर आयोटा ये सोल्व करेंगे ना तो हमें 1 ही मिलेगा, देखो कोस ये क्या बन गया 2n पाई प्लस आयोटा साइन 2n पाई, ये तो मिला ना, है ना, e की पावर आयोटा थीटा से खोल दिया हमने मैंने इसको, तो देखो साइन 2n पाई की वैल्यू ये तो क्या होती है 0, और कोस 2n पाई की वैल्यू कितनी होती है 1, तो अपन 1 को e की पावर आयोटा 2n पाई भी लिख सकते हैं। अब देखो इसको मैंने e की पावर में क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर भी e की पावर आ रही है और यहाँ भी e की पावर आ रही है, और दोनों के बीच में साइन किसका है इक्वल का, तो अपन कंपेयर करने के लिए 1 को भी e की पावर में ओपन कर लिया, और यहाँ से देखो देखो e की पावर कितनी बन जाएगी, e की पावर बन जाएगी आयोटा पाई एक्स बाई 3 बनेगी ना, और यहाँ पर कितनी है e की पावर आयोटा 2n पाई, तो दोनों पावर क्या हो जाएंगी आपस में बराबर, यहाँ पर पावर कितनी है आयोटा पाई एक्स अपॉन 3 और यहाँ पर पावर कितनी है आयोटा 2n पाई, देखो आयोटा से आयोटा कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, और कैंसिल नहीं होगा, तो यहां पर तो क्या बचेगा, आयोटा से देखो कैंसिल कर देते हैं अपन, आयोटा से कैंसिल आयोटा, ठीक है, पाई से ये पाई कैंसिल, यहां पर क्या बचेगा अपने पास, यहां पर तो बचेगा x,
यहाँ पर तो बचेगा x बाई थ्री और यहाँ पर क्या बचेगा अपने पास 2n, तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी 6n, मतलब x की वैल्यू 6n आ रही है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो x की वैल्यू क्या आ रही है, मल्टीपल में आ रही है ना, 6 के n मल्टीपल में आ रही है। इसका मतलब मल्टीपल हमें श्रेणी किस में मिलती है, ये मिलती है हमें जीपी में, किस में मिलती है जीपी में, तो जीपी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। अब देखो 36 क्वेश्चन करके देखते हैं, हमारे पास दो क्या है कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2 क्या है, दो आपस में कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसी तरीके से Z3 और Z4 भी क्या है, दो संयुग्मी या फिर कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हमें ये वैल्यू निकाल के बतानी है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3 अपॉन Z2 हमें निकाल के बताना है। तो देखो इसने दिया है कि कॉन्जुगेट कौन कौन से पेयर हैं, Z1 और Z2, ये क्या है दोनों आपस में कॉन्जुगेट, ठीक है। फिर दे दिया इसने Z3 और Z4, ये भी क्या है आपस में कॉन्जुगेट है, ठीक है। कॉन्जुगेट के दो पेयर दे दिए Z1 Z2 आपस में, और Z3 और Z4 आपस में कॉन्जुगेट हैं। और कॉन्जुगेट के लिए अपन जानते हैं किस तरीके से बनाते हैं, यदि Z1 और Z2 आपस में कॉन्जुगेट हैं तो ये क्या लिख सकते हैं अपन, Z1 बराबर Z2 का कॉन्जुगेट ये लिख सकते हैं ना। इसी तरीके से लिख सकते हैं अपन Z3 बराबर Z4 का कॉन्जुगेट, ये बना सकते हैं, ठीक है। और हमें ये बना दिया एक बार के लिए हमने, अब हमें जो निकालना है ना इसको लेके चलते हैं, हमें वैल्यू क्या निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3 अपॉन Z4, ये वैल्यू हमें निकाल के बतानी है। तो देखो आर्ग्यूमेंट की कुछ एक प्रॉपर्टी किस तरीके से काम में करती हैं, ये लॉग फंक्शन की तरह काम में करती हैं, और लॉग फंक्शन में यदि यहाँ हो तो अपन किस तरीके से बनाते, लॉग ऑफ Z3 माइनस लॉग ऑफ Z4 बनाते ना, तो इसी तरीके से अपन आर्ग्यूमेंट को बना लेंगे। तो ये बन जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z4, ठीक है। अब देखो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3 हमें निकालना है, और Z3 को अपन क्या बोल सकते हैं, Z3 को अपन बोल सकते हैं Z4 का कॉन्जुगेट। यहां से लिख देंगे अपन Z3 को बोल देंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ Z4 का कॉन्जुगेट बोल दिया। इसी तरीके से माइनस का साइन, और आर्ग्यूमेंट ऑफ Z4 को क्या बोल सकते हैं अपन, Z4 को अपन बोल सकते हैं Z3 का कॉन्जुगेट। सॉरी यहां पर कितना है, ये Z2 है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3 अपॉन Z2 ये निकाल के बताना है। हमने क्या लिख लिया, Z4 लिख लिया था ना, तो यहाँ पर आप कर लेना इसको Z2 कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन ही है कितना Z2, यहाँ पर भी कितना Z2। और देखो Z2 को हम क्या बना सकते हैं, Z2 को अपन Z1 का कॉन्जुगेट भी तो बना सकते हैं, तो इसको अपन दोनों तरीके से लिख सकते हैं, Z2 बराबर Z1 का कॉन्जुगेट ये भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ये आपस में दोनों कॉन्जुगेट है, तो दोनों तरीके से भी अपन इसको डिनोट कर सकते हैं। तो Z2 की जगह क्या लिख लेंगे, Z1 का कॉन्जुगेट। अब देखो एक प्रॉपर्टी हम जानते हैं आर्ग्यूमेंट के लिए, एक प्रॉपर्टी होती है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ, यदि आपके पास जेड का कॉन्जुगेट हो तो ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है माइनस बाहर आ जाता है और आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, ये प्रॉपर्टी होती है। और यही प्रॉपर्टी अपन अप्लाई कर देंगे यहाँ से। तो देखो यदि अपन Z4 के कॉन्जुगेट का आर्ग्यूमेंट निकाल रहे हैं, इसका मतलब माइनस का साइन बाहर ले लेंगे और Z4 का आर्ग्यूमेंट निकाल लेंगे। इसी तरीके से यदि अपन Z1 के कॉन्जुगेट का आर्ग्यूमेंट निकाल रहे हैं तो माइनस का साइन बाहर ले लेंगे, माइनस का साइन बाहर आ जाएगा तो प्लस बन जाएगा, और ये बन जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बन गया, ठीक है। अब देखो ये क्या बन गया, ये हमारे पास आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट Z4 बनाना, क्या बना, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z4, इसको क्या बना सकते हैं अपन, इसको अपन ये भी लिख सकते हैं कि ये है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बाई Z4, क्या है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बाई Z4। देखो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर लगाई थी ना, तो यही प्रॉपर्टी अपन रिवर्स में भी लगा सकते हैं कि ये बन जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z4। तो ये देखो ऑप्शन कौन से में है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z4 ऑप्शन नंबर सेकेंड में है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन करके देखते हैं अपन, हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है देखो लॉग ऑफ बेस कितना 1/2, और हमारे पास वैल्यू कितनी है लॉग की, ये है मोड ऑफ Z-1 का मोड प्लस 4/3 इंटू मोड ऑफ Z-1 का मोड, ठीक है। और फिर क्या दिया है, ये दिया है -2
और ये है ग्रेटर देन 1 के, और हमें निकालना है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से प्लेन पर स्थित होगा, या फिर हमें जेड का क्या निकालना है, जेड का हमें यहाँ से लोकस निकाल के बताना है। तो देखो किस तरीके से करेंगे, ये तो गिवन है हमारे पास, और किस तरीके से गिवन है, ये लॉग की फॉर्म में गिवन है, और अपन लॉग की डेफिनेशन से जानते हैं कि यदि अपन 1/2 की पावर क्या करेंगे, 1 करेंगे, तो हमें क्या मिलना चाहिए, ये वैल्यू मिलनी चाहिए। ये मैंने लॉग की डेफिनेशन में आपको बताया था प्रीवियस चैप्टर में। तो देखो यहाँ से क्या करेंगे अपन, यदि 1/2 की पावर क्या कर दें, 1/2 की पावर यदि 1 करें तो हमें क्या मिलना चाहिए, हमें मिलना चाहिए ये वैल्यू कितनी, जेड माइनस 1 प्लस 4 अपॉन 3 मोड ऑफ जेड माइनस 1 माइनस 2, और बीच में साइन कौन सा है, बीच में साइन आपके पास ग्रेटर देन का। ये मैंने लॉग की वैल्यू को सोल्व करके लिख लिया। अब क्या करेंगे अपन, ये वैल्यू उधर ले आएंगे, या फिर ये क्या बन गया 1/2 की पावर 1, तो क्या है 1 के बराबर ही है। तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये वैल्यू अपन इधर ले आएंगे, तो देखो जेड माइनस 1 का मोड का प्लस अपॉन 3 इंटू जेड माइनस 1 का मोड माइनस 2, और ये लेस देन हो जाएगा किससे, 1/2 से, किससे लेस देन हो जाएगा 1/2 से। यदि ये वैल्यू 1/2 से छोटी है तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या होगी, 1 से भी तो छोटी होगी ना। यदि आपसे ये पूछ ले कि 0 जो है, आपको ये दे दिया कि 0 क्या है 1/2 से छोटा है, 0 क्या है 1/2 से छोटा, तो ये भी तो बोल सकते हैं अपन कि 0 1 से छोटा है, 0 2 से भी छोटा है, ये भी बोल सकते हैं ना, 0 1 से भी छोटा है, 0 2 से भी छोटा है, मतलब 1/2 से बड़ा अपन कोई भी नंबर ले सकते हैं, और जिसके लिए अपन ये बोल सकते हैं कि 0 उस नंबर से क्या होगा, छोटा। लेकिन 1/2 से यदि छोटा नंबर लेंगे तो उसके लिए हमें सोचना पड़ेगा कि 0 उससे लेस देन होगा कि नहीं होगा। लेकिन 1/2 से बड़े नंबर्स के लिए अपन कन्फर्म बोल सकते हैं कि 0 उससे तो छोटा होगा ही, ठीक है। तो देखो 1/2 से बड़ा नंबर क्या ले लिया, 1 ले लिया, तो ये नंबर क्या होगा, 1 से भी छोटा हो जाएगा। तो अपन इसको ये बना सकते हैं, इसको बना सकते हैं अपन मोड ऑफ जेड माइनस 1 प्लस 4 अपॉन 3 इंटू जेड माइनस 1 माइनस 2, ये लेस देन हो जाएगा 1 से, क्या हो जाएगा 1 से, ये वैल्यू लेस देन हो जाएगी। अब इसको सोल्व करेंगे अपन, तो देखो सोल्व करने का तरीका क्या रहेगा, अब आगे सोल्व करेंगे इसको। यहां से देखो ये क्या कर देंगे अपन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा मोड ऑफ जेड माइनस 1 प्लस 4 लेस देन बन जाएगा 3 इंटू मोड ऑफ जेड माइनस 1 का मोड माइनस 2, ठीक है। अब देखो ये भी मोड ऑफ जेड माइनस 1 है, ये भी मोड ऑफ जेड माइनस 1 है, तो अपन क्या करेंगे इस वैल्यू को इधर ले आएंगे, तो देखो ये क्या बन गया माइनस 2 मोड ऑफ जेड माइनस 1, ठीक है। ये 4 को इधर भेज देंगे तो ये लेस देन बन जाएगा कितना, माइनस 6 के। दोनों को यदि माइनस से मल्टीप्लाई करें तो साइन भी चेंज हो जाएगा ना, तो ये बन जाएगा, देखो 2 से अपन साथ में कैंसिल भी कर देंगे और साथ में अपन माइनस से मल्टीप्लाई भी, तो जेड माइनस 1 का मोड क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन किससे, 3 से, ये ग्रेटर देन हो जाएगा। और ये किसका इक्वेशन है, ये आपके पास एक सर्कल का इक्वेशन है जिसका क्या है, सेंटर तो क्या है 1 कॉम्प्लेक्स नंबर, और रेडियस कितनी है, रेडियस है रूट 3, कितनी है रेडियस, रूट 3। ये एक क्या है, सर्कल का इक्वेशन है। अब कौन से सर्कल का इक्वेशन है ये पता लगाएंगे अपन, जो बीच में साइन आ रहा है ना उससे। यदि साइन क्या है, ग्रेटर देन का साइन है, यदि साइन यदि आपके पास ग्रेटर देन का साइन हो तब हमें क्या लेना है, उस सर्कल के बाहर वाला एरिया लेना है। यदि आपके पास लेस देन का साइन होता तो क्या लेते, सर्कल का इनर भाग लेते आप, मतलब सर्कल के अंदर का एरिया लेते। लेकिन यहाँ पर क्या लगा है, साइन ग्रेटर देन का लगा है, इसका मतलब अपन सर्कल के बाहर वाला एरिया लेंगे। और ये कौन से ऑप्शन में है, एक सर्कल का बाह्य भाग, मतलब सर्कल का आउटर एरिया लेना है। यहां पर एक सर्कल है, और सर्कल कब बोलते हैं अपन, जब इक्वल टू का साइन होता तब तो अपन बोल देते हैं कि ये क्या है, एक सर्कल का लोकस है। यदि लेस देन का साइन होता तब अपन बोल देते हैं कि ये क्या है, एक सर्कल के इनर एरिया, मतलब अंदर का भाग है। और यदि ग्रेटर देन का साइन है तब अपन क्या बोल देंगे कि ये एक सर्कल का आउटर एरिया है, या फिर ये एक सर्कल का बाह्य भाग है, ठीक है। आगे देखते हैं अपन, ये देखो इक्वेशन दी गई है, जेड की क्यूब प्लस 2z² प्लस 2z+1 बराबर 0, ये इक्वेशन है, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास ये, और इन दोनों में हमें बताना है कि उभयनिष्ठ मूल क्या होंगे, मतलब इन दोनों इक्वेशन के कॉमन रूट हमें निकाल के बताने हैं। क्या बताने हैं, कॉमन रूट हमें फाइंड करके बताने हैं। तो देखो दोनों इक्वेशन क्या है, पॉलिनोमियल इक्वेशन है ना दोनों, और पॉलिनोमियल इक्वेशन को अपन सोल्व करना जानते हैं। तो देखो पहले अपन जो पहली इक्वेशन है इसको सोल्व करेंगे, और ये क्या है, जेड क्यूब प्लस 2z² प्लस 2z
प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अब देखो पॉलिनोमियल इक्वेशन की पावर कितनी है, थ्री पावर है ना, और थ्री पावर की इक्वेशन को सोल्व करने का मैंने तरीका बताया था आपको। हम क्या करेंगे, जेड की वैल्यू अपन इजी सी पुट करके देखेंगे। पहले जेड बराबर अपन वन पुट करके देखेंगे कि इक्वेशन वन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो देखो जेड बराबर वन पर इक्वेशन ये सेटिस्फाई नहीं होगी क्योंकि सारी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, मतलब ये जीरो के बराबर हमें नहीं मिलेगा। अब क्या करेंगे अपन, जेड बराबर माइनस वन पुट करके देखेंगे। तो ये तो क्या बन गया माइनस वन, ये क्या बना प्लस टू, ये क्या बना माइनस टू, और ये प्लस वन। मतलब क्या हो रहा है, ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब इसका एक फैक्टर हमें मिल गया। यदि जेड बराबर माइनस वन पर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब फैक्टर क्या होगा, इसका फैक्टर होगा जेड प्लस वन। क्या होगा, एक फैक्टर इसका जेड प्लस वन, इसका एक फैक्टर बन जाएगा। तो देखो जेड प्लस वन को एक फैक्टर बना के अपन सोल्व करेंगे। तो देखो जेड प्लस वन को लिख लेंगे अपन थ्री टाइम, कितने टाइम लिख लिया जेड प्लस वन को हमने, थ्री टाइम लिख दिया जेड प्लस वन को। थ्री टाइम लिखने के बाद में ये इक्वेशन प्राप्त करनी है हमें, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जेड स्क्वायर से। जेड स्क्वायर से किया तो यहाँ पर टू जेड स्क्वायर मिल गया, लेकिन हमें कितना चाहिए, टू जेड स्क्वायर चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ जेड स्क्वायर मिला। तो क्या करेंगे अपन, एक जेड से और मल्टीप्लाई करने देंगे, तो जेड स्क्वायर बन गया ना, तो ये टू जेड स्क्वायर बन गया। अब देखो क्या चाहिए हमें, टू जेड चाहिए, लेकिन हमें कितना मिल रहा है, हमें सिर्फ देखो एक ही जेड मिल रहा है। तो अपन क्या कर देंगे, एक और वन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो ये वन अपने आप सेटिस्फाई हो गया, तो और ये इक्वेशन इसके बराबर है जीरो के। अब जेड प्लस वन को कॉमन ले लेंगे, तो ये बन गया जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। देखो एक फैक्टर तो ये है इसका, मतलब जेड की वैल्यू कितनी आ रही है, जेड की वैल्यू आ रही है माइनस वन, कितनी, जेड की वैल्यू माइनस वन, मतलब एक रूट तो हमें ये मिल जाएगा जेड की वैल्यू माइनस वन, दूसरे रूट यहां से मिलेंगे हमें। और इस इक्वेशन को यदि अपन सोल्व करेंगे ना, किससे करेंगे, श्रीधर आचार्य से कर सकते हैं, तो हमें जेड की वैल्यू मिलेगी, एक बार तो मिलेगी माइनस, हमें ये वैल्यू मिलेगी माइनस वन प्लस माइनस आयोटा रूट थ्री बाई टू, ये मिलेगा हमें। तो देखो एक बार जब अपन प्लस लेंगे और एक बार क्या ले लेंगे माइनस, तो एक बार जब प्लस लिया तो ये देखो क्या बना, माइनस वन बाई टू और प्लस आयोटा रूट थ्री बाई टू, और एक बार यदि अपन माइनस लेंगे तो ये बनेगा माइनस वन बाई टू माइनस आयोटा रूट थ्री बाई टू। अब ये देखो ये वैल्यू आपकी कुछ जानी पहचानी सी है, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू तो किसकी है आपके पास, ऊपर वाली, ये वैल्यू तो है आपके पास किसकी, ये तो है ओमेगा, और ये कितना है, ये है आपके पास ओमेगा स्क्वायर, जो कि क्या होते हैं, इकाई के घनमूल होते हैं, क्या होते हैं, इकाई के क्यूब रूट होते हैं। तो देखो इसके रूट हमें कितने मिल गए, इसके रूट हमें मिल गए माइनस वन, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, मतलब पहले इक्वेशन के हमने रूट निकाल लिए। अब ये देखेंगे हमें कॉमन रूट निकाल के बताने हैं, तो क्या करेंगे अपन करेंगे पहले इस इक्वेशन में माइनस वन पुट करके देखेंगे कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इस इक्वेशन में माइनस वन पुट करके देखेंगे, तो इक्वेशन क्या है, जेड की पावर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन है। अब देखो हमारे पास रूट कितने आए थे, हमारे पास रूट आए थे इसके माइनस वन, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये रूट आए थे हमारे पास। तो क्या करेंगे पहले माइनस वन पुट करके देख लेंगे, क्या करेंगे पहले अपन माइनस वन के लिए चेक करेंगे कि माइनस वन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या। तो माइनस वन की पावर ओड है, तो इसका मतलब हमें माइनस वन मिलेगा, माइनस वन की पावर कितनी है, इवन है, मतलब हमें क्या मिलेगा प्लस वन, और ये प्लस वन, क्या जीरो मिला गया, ये हमें जीरो नहीं मिला, इसका मतलब ये जो माइनस वन है ये सिर्फ पहले इक्वेशन का रूट है, दूसरी इक्वेशन का ये रूट नहीं होगा, मतलब ये माइनस वन क्या होगा, इनका कॉमन रूट नहीं होगा। तो माइनस वन को अपन कॉमन रूट नहीं बनाएंगे। फिर देखेंगे अपन ओमेगा के लिए, ओमेगा को चेक करके देखेंगे, और इस इक्वेशन में अपन ओमेगा रखेंगे जेड के बराबर, तो ये बन गया ओमेगा की पावर 1985 प्लस ओमेगा की पावर 100 प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये सोल्व करेंगे तो देखो ओमेगा की पावर थ्री यदि हो तो क्या होता है, वैल्यू हमें जीरो मिलती है। तो इसका मतलब ओमेगा की पावर जब थ्री करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वन मिलेगा ना, सॉरी क्या, कितना मिलेगा, वन। तो ओमेगा का साइकिल कितने पदों में चलेगा, ये तीन घात के पदों में चलेगा। तो देखो 1985 है, तो 1985 को अपन थ्री से डिवाइड करके देखेंगे रिमाइंडर कितना मिलेगा। तो देखो ये सिक्स और सिक्स, तो रिमाइंडर हमें कितना मिला, टू रिमाइंडर मिल गया है ना, तो टू रिमाइंडर मिल गया, इसका मतलब ओमेगा की पावर टू भी इसको अपन लिख सकते हैं। और जब इसको थ्री से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर कितना मिलेगा, वन मिलेगा, और ये प्लस वन। और ये प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, जीरो के बराबर होती है, और हमें देखो जीरो ही लेके आना था। मतलब ओमेगा जो पहले इक्वेशन का भी रूट है और दूसरी इक्वेशन का भी रूट है, मतलब ओमेगा इसका कॉमन रूट है, ठीक है। अब देखो ओमेगा स्क्वायर के लिए अपन ट्राई करते हैं, तो देखो ओमेगा स्क्वायर रख देंगे यहां से, तो देखो क्या बनेगा, ओमेगा
1985 से क्या करेंगे अपन 2 से मल्टीप्लाई, तो देखो 1985 से यदि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस ओमेगा की पावर यदि 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 200 बन गया प्लस 1 इजिक्वल्स टू 0। अब यदि ये सोल्व करेंगे अपन तो देखो यहाँ से हमें कितना मिला रिमाइंडर, यदि 1985 से हमें रिमाइंडर कितना मिला था, इसको पूरा मल्टीप्लाई करके सोल्व करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से 1985 से हमें रिमाइंडर 2 मिला तो यहाँ से 2 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बना 4 बनाना, और 4 से हमें रिमाइंडर कितना मिलेगा, 4 से हमें रिमाइंडर मिल जाएगा इसका 1 मिल गया, ठीक है। इसी तरीके से हमने 100 से रिमाइंडर कितना निकाला 1, तो 200 से रिमाइंडर कितना मिल जाएगा 2 मिल गया ना, प्लस 1 इजिक्वल्स टू ये वैल्यू क्या मिलेगी 0। देखो ये यही तो है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 ये क्या होता है 0, मतलब इसका ओमेगा स्क्वायर भी क्या हो जाएगा कॉमन रूट हो जाएगा, माइनस 1 कॉमन रूट नहीं है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दोनों क्या हो जाएंगे कॉमन रूट। तो देखो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर कौन से में आ रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो आगे के क्वेश्चन आप खुद करके देखना, आगे क्वेश्चन करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, ये वीडियो जितने अपन क्वेश्चन करवा रहे हैं यदि ये आपके तैयारी में ज़्यादा हेल्पफुल हो रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू।